बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो बुक हम स्टडी के लिए लाए हैं वो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और इसके जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 11 है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इनकरेजमेंट होती है, और साथ में जब बेल आइकन ओबरे आप उसको भी प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वैलेंटाइन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है। अब फैमिली मैटर्स के अंदर ये शहादत को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसका तरीकाकार आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट अदालत के पास आ जाएगा और अदालत उसके अंदर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगी, अगर वो प्रोसीडिंग जो है वो नाकाम हो जाती है तो अदालत फिर एक डेट फिक्स करती है, दोनों पार्टीज़ को हदायत की जाती है कि वो उस डेट पे अपने अपने विटनेसेस जो हैं वो अदालत के अंदर पेश करें। तो पहला राइट जो होता है विटनेस की एग्जामिनेशन का, वो प्लेंटिफ का होता है, और सेकंड राइट जो होता है फिर वो डिफेंडेंट का होता है। और जब ये विटनेसेस अदालत के अंदर आती हैं तो फिर अदालत उनको एग्जामिन करती है और उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करती है। दूसरी बात ये है कि जब इशू फ्रेम हो जाती हैं तो उसके बाद दोनों पार्टियाँ अपनी अपनी एविडेंस जो है इश्यूज़ के मुताबिक फिर अदालत के अंदर प्रोड्यूस करने की रिस्पांसिबल होती हैं। इसके अंदर तीसरी बात यह है कि ये विटनेसेस को अदालत के अंदर पेश करना ये रिस्पेक्टिव पार्टीज़ का काम होता है, प्लेंटिफ का भी काम होता है और डिफेंडेंट का भी काम होता है। अगर कोई पार्टी ये चाहे कि कोई डिफेंडेंट जिसको वो अदालत बुला नहीं सकते या उनकी अख्तियार के अंदर नहीं है कि किसी विटनेस को अदालत के अंदर बुलाना, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो इशू फ्रेम हो जाती हैं तो इशू फ्रेम होने के बाद विद इन द पीरियड ऑफ 3 डेज वो अदालत के अंदर एप्लीकेशन मूव करेंगे और उसके अंदर वो मेंशन करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ विटनेस जो हैं उनको अदालत के अंदर बजरिया कोर्ट तलब किया जाना ज़रूरी है ताकि मुकदमे का जो फैसला है वो जस्ट एंड प्रॉपर हो सके। और उसके लिए फिर जो पार्टीज़ होती हैं वो अदालत के अंदर उनके एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो ड्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो सबमिट करवाती हैं, और सबमिट करवाने के बाद फिर अदालत उनको बदरिया समन या नोटिस उनको तलब करती है, बुमाए रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड उसके अंदर मेंशन करती है पार्टी वो साथ लेकर हाजिर अदालत होती हैं और फिर आकर उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करवाती हैं। और एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए ये ऐसे ही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जैसे आम हालात के अंदर वो जो एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि सबसे पहले ये एग्जामिनेशन इन चीफ होता है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद अगर कोई नई बात दुराने क्रॉस सामने आ जाती है तो फिर रिस्पेक्टिव पार्टीज़ को वो अख्तियार होता है और उनको राइट होता है कि उसको री एग्ज़ामिन करें और उसके ऊपर फिर अगर क्रॉस करना हो तो किया जा सकता है। उसके बाद अगली बात इन्होंने ये की है कि जो भी विटनेस अदालत के अंदर आएगा और वो जिस भी ज़बान के अंदर, जिस भी लैंग्वेज के अंदर वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाना चाहेगा तो फिर अदालत के लिए ज़रूरी है कि वो उसी की लैंग्वेज के अंदर उसका एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करे। और उसके बाद अगली बात यह है कि दौरान एविडेंस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन विटनेस से पूछा जाता है कि जो उसको स्कैंडलिशियस हो या इंसल्टिंग हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इरेलीवेंट हो जिसका मुकदमे की नौइयत से कोई ताल्लुक ना हो, तो अगर वो ऐसा पूछ लिया जाता है तो फिर अदालत उसकी इजाज़त नहीं देगी। और बाज़ अवक़ात ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि एक पार्टी अपने मुखालिफ पार्टी के विटनेस से ऐसा क्वेश्चन पूछ बैठती है कि जो कुछ रेलिवेंट होता है, कुछ इरेलीवेंट होता है, कुछ ताल्लुक बनता है और कुछ नहीं बनता, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को डिसाइड करना अदालत का काम है कि आया कि उस ऑब्जेक्शन को अदालत सस्टेन करती है या ओवर रूल करती है, ये फिर अदालत की डिस्क्रिशन है।
और जो क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या जिसका मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक ना बनता हो तो फिर अदालत उसकी इजाज़त नहीं दे सकती। और उसके बाद अगली चीज़ ये है कि अगर अदालत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस अगर मुनासिब समझे, अगर वो समझे कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है, तो फिर अदालत को अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी विटनेस से किसी भी नौयत का जो मुकदमे से मुतालिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकती है। और इसके अलावा अगर अदालत आर्डर करे या हुक्म सादर करे या फ्री कैन अपनी मर्ज़ी से एफिडेविट के ऊपर अपने अपने रिस्पेक्टिव जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट अगर वो बयान अल्फी के ऊपर देना चाहें तो उनको फिर इजाज़त होती है कि वो अपने विटनेसेस की एविडेंस बयान अल्फी के ऊपर दे सकते हैं। और इसके अलावा जब ये एक पार्टी प्लेंटिव की शहादत जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर डिफेंडेंट की शहादत होती है। अगर दौरान मुकदमा या दौरान एविडेंस कोई ऐसी बात सामने आ जाती है या कोई नया विटनेसेस पेश करने की ज़रूरत पेश आ जाती है तो फिर जो पार्टी कोई नया विटनेस अगर गुजारना चाहे जिसका ऑलरेडी उन्होंने अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर उसका नाम मेंशन नहीं किया लेकिन वो अदालत वो पार्टी समझती है या फरीक मुकदमा प्लेंटिव या डिफेंडेंट समझती हैं कि इस बंदे की एविडेंस जो है वो मुकदमे के अंदर फैसला कौन रोल प्ले कर सकती है या मुकदमे के अंदर उसको डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती है तो फिर वो अदालत के अंदर दरख्वास्त देंगे। अगर उसके ऊपर मुखालफ पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो या तो फिर अदालत अगर मुनासिब समझे तो फिर उनको एडिशनल एविडेंस की इजाज़त दी जा सकती है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो होती है वो सेक्शन 11 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत होती है और ये वेरी सिंपल है। और मेरा ख़्याल में आपको ये आज का टॉपिक समझ भी आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप काइंडली आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।